बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी। एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सच्चरी अकाल केम छो, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल पापा वुड पे। और एक बार फिर से हूं मैं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के पत्या बीच पर, और पत्या बीच का माहौल आप लोग देख ही रहे हैं, मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग आपको दिख रहे होंगे आज बीच के ऊपर, क्योंकि यार पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करता आ रहा हूं कि पत्या इट्स आप लोग कह सकते हैं कि पूरी तरह से फेस्टिवल के माहौल में रंगा हुआ है। हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई फेस्टिवल हो रहे हैं, हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स में अगर आप लोग जाएँ तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। वॉकिंग स्ट्रीट पर अगर आप लोग जाएँ तो वॉकिंग स्ट्रीट की जो चहल पहल वो लगभग पहले की तरह होने जा रही है, धीरे 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 उसी जगह की तरफ बढ़ रही है जिस तरह वहाँ की लाइक जिस तरह वॉकिंग की नाइट लाइफ पहले की तरह हुआ करती थी। लेकिन फिलहाल अपने बात करेंगे आज इस पत्या बीच की, क्योंकि पत्या बीच पर अभी यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है एक बिकनी मैराथन। इट्स इंटरनेशनल बिकनी मैराथन 2022, जिसके बारे में आज से लगभग एक से डेढ़ महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक ब्लॉग भी शेयर किया था कि यहाँ पर पत्या में कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं। तो वही जो मैराथन है, वही जो बिकनी रेस है, अपनी तरह की एक अनूठी रेस है यार यहाँ पर। इसके अंदर दुनिया भर के लगभग जितनी कंट्री के टूरिस्ट भी यहाँ पर आए होते हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा यहाँ के जो लोकलाइट हैं, जो यहाँ के आप लोग बोल सकते हैं जो यहाँ की सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी इसी रेस में यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। तो एक यार अनूठी तरह की रेस है, और काफ़ी सारे अपने इंडियन भाई भी यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर देखने के लिए पहुँचे, लाइक जो आप बोल सकते हैं जो लक्की लोग हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच गए। और आप लोग देख सकते हैं यार एक अच्छा खासा क्राउड है मेरे पीछे, और इसी जगह से ये रेस अभी यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। यहीं से स्टार्ट होगी, एक बीच में पूरा राउंड है, और उसके बाद में यहीं पर आगे रेस यहाँ पर फिनिश होगी। फिलहाल ये है यहाँ पर बीच का माहौल, आप लोग देख सकते हैं कि यार सनसेट का टाइम है कब यहाँ पर, आपको पता ही है पत्या का सनसेट वॉज वेरी फेमस, और पत्या बीच का जो सनसेट है वो यार सबसे ब्यूटीफुल सनसेट में से एक है। यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं सनसेट देखने के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो हुए हैं यहाँ पर जो एक इंटरनेशनल बिकनी मैराथन होने जा रही है यहाँ पर पत्या बीच के ऊपर। और यहाँ पर काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं यार, लेकिन मेरे को नहीं पता कि यार वो थाई सेलिब्रिटीज़ के नाम क्या है, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी सारे यहाँ के लाइक जो यहाँ पर ऑफिसर्स रैंक के जो लोग हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स हैं, वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, और वो लोग इस जगह पर इस मैराथन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यार काफ़ी सारा क्राउड है, बहुत ही खूबसूरत क्राउड है यहाँ पर आज, और ये वो जगह है जहाँ से इस रेस का आगाज़ होने जा रहा है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और यहाँ पर जो पत्या के जो मेयर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मेयर की जो पूरी टीम है जो उनके साथ में, जो उनके साथ दिन रात यहाँ पर पत्या को ऊपर ले जाने के लिए वर्क कर रही है, वो पूरी की पूरी टीम आप लोग देख सकते हैं इस समय यहाँ पर स्टेज के ऊपर मौजूद है। और ये सारे के सारे जो भी यहाँ पर लाइक सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, जो प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप लोग देखें तो यार कैमरा के साथ काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी सारे ब्लॉगर्स यहाँ पर मौजूद हैं दुनिया भर के। यार इस रेस के लिए जो पार्टिसिपेट हैं वो भी लगभग तैयार हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं काफी सारे पार्टिसिपेट्स हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। और इसी जगह से रेस स्टार्ट होने वाली है, और ये है इस रेस का स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आप लोग देखें तो जितने भी पार्टिसिपेट है, क्योंकि ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट के पीछे अगर आप लोग देखें तो अच्छी खासी लाइन लग चुकी है इस मैराथन के लिए, इस इंटरनेशनल बिकनी मैराथन के लिए। तो ये है इस रेस का स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर।
काफी सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी तैयार हैं इस रेस का हिस्सा बनने के लिए और काफी सारे लोग हैं यहाँ पर इस रेस को कवर करने के लिए। อยู่ตรงนี้นะครับพี่ๆช่างภาพใครเนี่ยเห็นกล้องเนี่ยถ่ายไปไปตามหาด้วยนะครับว่ากล้องไหนถ่ายऔर यहाँ पर काफी सारे लोग हैं यहाँ पर जो इस रेस का हिस्सा बनने वाले हैं और इसके साथ साथ हमने काफी सारे इंडियन भाई भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं जो इस दिन को इस रेस को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो यार काफी तो यार अपने बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस जगह पर क्योंकि काफी सारे लोगों को इस रेस के बारे में पता है और अभी तो यार पटना के अंदर फेस्टिवल का माहौल है तो अपने जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं वो कहीं ना कहीं फेस्टिवल कहीं ना कोई ऐसा इवेंट ढूंढ ही लेते हैं जहाँ पर जाकर वो लोग एंजॉय कर सके। और ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं तो लगभग जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट्स हैं वो सब के सब तैयार हैं और अब आगाज होने जा रहा है इस खूबसूरत सी आप लोग कह सकते हैं बीच रेस का। इट्स बिकनी इंटरनेशनल बिकनी बीच रेस पत्या 2022। तो यार सारे रनर्स यहाँ पर तैयार हैं और अगर आप लोग देखें तो मैंने आपको बताया कि काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं यहाँ पर तो उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज हैं यहाँ पर और ये अब रेस स्टार्ट होने जा रही है यहाँ पर। บรรยากาศดีดีร้อยใจแม็กซ์ไฟเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ5 กิโล move your legs to ready for the US ready for the joint run เรียกได้ว่าวันนี้นะคะทะเลเดือดอย่างแน่นอนชายหาดพัทยาเราเดือดอย่างแน่นอน Let's goKeep fighting, keep going, and keep running! यार इस रेस का जो आगाज है वो यहाँ पर हो चुका है लेकिन फिलहाल यहाँ पर भीड़ इतनी और जो ये रास्ता है वॉज वेरी वेरी स्मॉल, आप लोग बोल सकते हैं बहुत छोटा सा भी यहाँ पर ये हिस्सा है बीच का, लेकिन आगे जाकर ये लोग दौड़ना स्टार्ट करेंगे। लगभग 5 किलोमीटर की एक रेस है और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यार काफी सारे पार्टिसिपेट्स हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोग बोल सकते हैं दुनिया की हर घंटी से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि यार सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगे या बॉयज पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी एज का कोई भी आदमी जो भी इस रेस का हिस्सा बनना चाहे वो यहाँ पर हिस्सा बन सकता है। ลูกหลานก็วิ่งกันด้วยนะฮะอย่าลืมนะคะวันนี้เรามีรางวัลนะคะสำหรับผิวดีผิวดีบุญดีแล้วก็มีคนที่แบบว่าคนที่มั่นใจนะครับการแต่งตัวเนี่ยนะยิ่งจะลงหาयार यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ से लोग यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सिर्फ एक
कोई यहाँ पर एक शांति मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि सब लोग बड़े ही शांति से यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे जैसे जैसे यहाँ से लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा प्राइज़ भी रखा गया है यहाँ पर इस बीच रेस के लिए कि जो भी यहाँ पर विनर होगा उसको एक अच्छा खासा प्राइज़ यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यार कि यहाँ से लोगों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया है, और रेत के ऊपर दौड़ना इतना आसान नहीं होता है, आप लोग ये चीज़ आप लोग भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जितने भी पार्टिसिपेट हैं उन्होंने यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो जो लोग पीछे से आराम से चलते हुए आ रहे थे वो इस जगह पर आकर एकदम से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई ये एक रेस ही है, ये कोई यहाँ पर शांति मार्च नहीं है। तो एक यार बिकनी रेस है अपनी तरह की, एक अनूठी रेस है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं यार, काफ़ी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, बहुत ही हैंडसम बॉयज़ हैं यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यार ये यहाँ पर पत्या में एक इस तरह की रेस थी, अगर आप लोग भी यहाँ पर मौजूद होते तो आप लोग भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के इस रेस का हिस्सा बन सकते थे। अगर आप लोग भी चाहते तो एक पिकनी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक कॉस्ट्यूम जो होता है शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट्स पहनकर, सैंडोज पहनकर आप लोग इस रेस का हिस्सा बन सकते थे यहाँ पर। लेकिन काफ़ी सारे भाई यहाँ पर अपने मौजूद हैं ऑलरेडी, जो इंडिया से यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ पर अपने हॉलीडेज स्पेंड कर रहे हैं, और जिन लोगों को इस रेस के बारे में पता है, जिनको ये डेट याद थी कि यहाँ पर ये रेस आज होने जा रही है, तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने ढंग से सभी लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और काफ़ी सारे अपने भाई हैं जो इस रेस का हिस्सा भी बने हुए हैं, लेकिन वो लोग आगे निकल गए ऑलरेडी, जब तक मेरी नज़र उनके ऊपर पड़ी तब तक वो लोग यहाँ से क्रॉस हो गए। तो आई होप यार जो भी आने वाले फेस्टिवल्स यहाँ पर होंगे पत्या के अंदर, इस तरह के जितने भी फेस्टिवल्स होंगे, आप लोग उन फेस्टिवल का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, क्योंकि आने वाली जो 25 और 26 तारीख है, नवंबर की 25 और 26 तारीख होने जा रहा है यहाँ पर पत्या फायर फेस्टिवल, जो एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको देखने के लिए लगभग थाईलैंड के हर जगह से लोकलाइट तो यहाँ पर पहुँचते ही हैं। उसके साथ साथ में यार बहुत सारा इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचता है उस फेस्टिवल को देखने के लिए। उसके साथ साथ है यहाँ पर लॉय क्रथुंग, यहाँ का जो एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो आई होप यार जितने भी आने वाले फेस्टिवल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई यहाँ पर मौजूद होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई उन फेस्टिवल्स का हिस्सा बनेंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम, मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपने चैनल बाबा वर्ल्ड। See ya.